बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की वेडिंग उनके चाहने वालों के लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होती। इनकी शादियां भी इतनी ग्रैंड होती हैं कि ये बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह ही लगती हैं। शादी के बाद स्टार्स के माता पिता बनने की खबर से भी फैंस काफी खुशी का इजहार जाहिर करते हैं। हालांकि बी टाउन में कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जिन्होंने झटपट शादी के बाद ही अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की। रिपोर्टेडली इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस शादी से पहले ही प्रेगनेंट हो गई थीं, जिसके बाद फैंस को तगड़ा झटका भी लगा था। साथ इन खबरों से बॉलीवुड का बाजार भी गर्म हो गया। वेल, इस खास रिपोर्ट में हम ऐसे ही कुछ स्टार्स के बारे में आपको बताने वाले हैं जो शादी के बाद तुरंत ही मां बनी, और कुछ तो ऐसी हैं जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा के बारे में भी यही चर्चा होती रहती है कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। एक्ट्रेस ने 2009 में बिजनेस शकील लाड़क से शादी की और फिर कुछ महीने बाद ही बेटे अजान को जन्म दिया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम है अमृता अरोड़ा की ही बड़ी बहन मलाइका अरोड़ा का। इन दिनों इनकी प्रेगनेंसी की खबरें खूब चर्चा में बनी हुई हैं। हालांकि अर्जुन कपूर और मलाइका ने इस खबर से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन यहां आपको बताते चलें कि ये खबर खुद उनके फ्रेंड्स की ओर से ही मिली है। और अब खबरें आ रही हैं कि मलाइका और अर्जुन भी इसी साल शादी के बंधन में बन जाएंगे। पहले अब देखना ये होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। नंबर 3, आलिया भट्ट। आलिया और रणबीर ने 14 अप्रैल 2022 को मुंबई में शादी की थी, और शादी के तुरंत बाद ही आलिया ने प्रेगनेंसी की खबर अनाउंस कर दी अपने फैंस के साथ। आलिया ने 27 जून 2022 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करके सभी को चौंका दिया था, और अब हाल ही में वो बन गई हैं एक बेबी गर्ल की मदर, जिसका नाम इन्होंने रखा है राहा कपूर। नंबर 4, दिया मिर्जा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा भी इस लिस्ट में शामिल है। वैसे तो उनकी दूसरी शादी की खबर ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन जिस बात ने सबको ज्यादा हैरान किया वो थी उनकी प्रेगनेंसी की खबर। शादी के 1.5 महीने में ही एक्ट्रेस ने अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की, जिसके बाद ये बातें होने लगी कि ये एक्ट्रेस शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। नंबर 5, नताशा स्टैनकोविक। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक की प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। दरअसल हार्दिक ने 1 जनवरी 2020 को नताशा को एक क्रूज पर प्रपोज किया, जिसके बाद इनकी अचानक सगाई की तस्वीरें सामने आई। इस शौक से फैंस बाहर ही निकल रहे थे कि स्टार कपल ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की, और फिर हार्दिक ने बताया कि वो और उनकी पत्नी माता पिता बनने वाले हैं। नंबर 6, सेलिना जेटली। फेमस एक्ट्रेस सेलिना जेटली भी उन्हीं स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने शादी के कुछ ही महीनों में जुड़वा बच्चे होने की खबर फैंस के साथ शेयर की। दरअसल सेलिना ने 2011 में पीटर हग से शादी रचाई, और फिर शादी के 4 महीने बाद ही अनाउंसमेंट की कि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हैं। नंबर 7, माहिमा चौधरी। फिल्म परदेश से रातों रात स्टार बनी माहिमा चौधरी ने 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद महिमा ने बेटी आरियाना को जन्म दिया। रिपोर्टेडली महिमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। नंबर 8, नेहा धूपिया। खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने 10 मई 2018 में एक गुरुद्वारे में अंगद बेदी से अचानक शादी करके सभी को चौंका दिया। शादी के 3 महीने बाद ही नेहा ने अनाउंस किया कि वो अपने पहले बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है। ये 24 अगस्त 2018 का दिन था जब नेहा ने अपने हस्बैंड अंगद बेदी के साथ फोटो शेयर की। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की कुछ वो एक्ट्रेसेस जो शादी के बाद तुरंत ही मां बनी, और कुछ वो थी जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थीं। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही इन एक्ट्रेसेस के लिए और उनकी फैमिली के सपोर्ट के लिए लाइक तो बनता है।